हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। 24 जून 2022 जो IIT के एग्ज़ाम की सेकंड शिफ्ट की एग्ज़ाम हो चुकी है और इनसे पूछ लेते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से किस प्रकार से IIT क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन सा क्वेश्चन सबसे हार्ड पूछा गया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। तो आप बताइए पहले मैथ्स में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? मैथ्स में ईजी थे। ईजी कौन चैप्टर से सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बने? चैप्टर वाइज बता दो आपके चैप्टर से इतने क्वेश्चन बने। समुच्चय से सबसे ज्यादा। सेट और सबसेट से बने। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पूछे गए? जी पूछे थे। अच्छा पूछे गए थे। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन उसमें भी पूछे थे। प्रोबेबिलिटी से आए थे। वेक्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए? हाँ वेक्टर से थे। वेक्टर से भी क्वेश्चन पूछे गए। और आपका IIT का एग्जाम था आपका एज लाइक आप कैसा था पेपर आज का? ठीक था। क्या क्या पूछा गया? मतलब सारा ही था, पूरा सिलेबस का था। अच्छा आपने कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन? मैंने 28। आपने कितने किए? 60 अटेम्प्ट किया। आपको सबसे हार्ड क्वेश्चन कौन सा लगा PCM में? मेरे को मैथ्स। मैथ्स ज़्यादा हार्ड लगी आपको? फिजिक्स हार्ड लगी आपको। तो केमिस्ट्री बताइए फिजिकल केमिस्ट्री में किस प्रकार क्वेश्चन पूछोगे? केमिकल काइनेटिक्स में से था और मोलैरिटी और ये सब थे और यही सब थे। अच्छा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे गए क्या नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए? नहीं मतलब ठीक थे। केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछा गया? काइनेटिक में हाँ शायद एक था। अच्छा उससे और इससे पूछा गया कोऑर्डिनेट कंपाउंड से क्वेश्चन पूछा गया? नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह कुछ पूछा गया? नहीं ऑक्सीडेशन नंबर ये सब नहीं पूछा। आप बताइए आप आ जाओ IIT स्टूडेंट एस्पिरेंट हो आ जाइए बताइए नहीं पूछेंगे गाँव से वो तो। अब बताइए और किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? बस यही थे मैथ्स में थे मतलब पूरा सिलेबस था ना पूरा। हाँ। हर एक चैप्टर से का क्वेश्चन पूछा गया। हाँ। ठीक है थैंक यू। और क्या पूछा गया बस यही फिजिक्स में क्या क्या पूछा गया? फिजिक्स में भी यही थे। ठीक है थैंक यू। हाँ भैया कैसा था पेपर आज का? नहीं हाँ आप बताइए कैसा था पेपर? अच्छा था। PCM में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? सब अच्छे थे। भैया IIT वाले भैया इधर आइए। कैसा था पेपर? कब था? PCM में मैथ्स थोड़ी टफ थी। मैथ्स टफ थी। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट कि सेकंड अटेम्प्ट? फर्स्ट अटेम्प्ट आपका। तो बताइए किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए मैथ्स में? मैथ्स में थोड़े मेरे को 3D ज्योमेट्री से ज़्यादा। अच्छा 3D ज्योमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन दो। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उससे भी एक पूछा गया। और फिजिक्स को आराम से हल्के से आराम से बताइए फिजिक्स में? फिजिक्स में सबसे लगभग ठीक था मिडिल पेपर था। अच्छा मिडिल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को क्वेश्चन पूछा गया? मैकेनिज्म वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए? हाँ सबसे आगे क्वेश्चन मैकेनिज्म से। और कूलम वगैरह किसी का नेम पूछा? कूलम फोर्स के ऊपर। अच्छा और क्या पूछा गया ऑप्टिक्स में? रे ऑप्टिक्स में तो एक ही क्वेश्चन आया। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था कि न्यूमेरिकल? आपको हार्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कौन सा लगा? मेरे को हार्ड तो बहुत सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा PCM में कौन सा लगा? मैक्स। तो ये पेपर कैसा था? इजी टू मॉडरेट था कैसा था? था तो मॉडरेट थोड़ी। अच्छा, स्टडी थोड़ी कम था। आपने कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन? मैंने तो 30 किया। 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। ठीक है तो आप आगामी जो स्टूडेंट जो एस्पिरेंट है एग्जाम देने आ रहे उनको क्या दे देंगे किस प्रकार से तैयारी? कुछ कंप्यूटर वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एग्जाम देने समय? कोई भी आपको जाते समय कोई परेशानी हुई? कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह में क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है? डॉक्यूमेंट तो आधार कार्ड है और एडमिट कार्ड है ओनली। और एक फोटो ले जाना, दो फोटो ले जाना है। दो फोटो ले जाने और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है ना? नहीं। और आपको कैसा अच्छा पेपर था ना आज का? ठीक है थैंक यू। आपका था पेपर कैसा गया पेपर? पीस बहुत अच्छा गया। कहाँ से हो आप? सरोदा। सरोदा से अपना IIT का था क्या? IIT एग्ज़ाम था अपना था। तो तैयारी की थी आपने? हाँ थोड़ी बहुत की थी। कहीं से की तैयारी आपने? घर से ही। अच्छा घर से सेल्फ स्टडी की आपने। हाँ तो अभी 12th में कितने परसेंट बने आपने? हमारे बने 70 परसेंट बने। तो मैथ्स कैसी पूछी गई? मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स अच्छी है। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पूछा गया क्या? हाँ कैलकुलस से जो कैलकुलस मिला के पूरा कैलकुलस से कोई क्वेश्चन पूछा गया क्या? हाँ सारे मिला के पूछा गया। वेक्टर और इसके लिए ऐसे इससे भी पूछा गया। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से क्वेश्चन पूछा गया? हाँ एक आध आए थे। अच्छा परबोला हाइपरबोला से क्वेश्चन पूछा गया? मैट्रिक्स वगैरह सबसे समुच्चय उपसमुच्चय से। आप हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम का? हिंदी मीडियम। अच्छा हिंदी मीडियम है ना। तो हिंदी मीडियम में आपका यांत्रिकी से क्वेश्चन पूछा फिजिक्स में? फिजिक्स में हाँ पूछा। अच्छा और इसमें ऑप्टिक्स में नहीं पूछा। ऑप्टिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में तो ऑप्टिक्स में बिना तो काम ही नहीं चलता। हाँ संधारित्र वाले ने हाँ ये आए थे सारा अवतल और उत्तल दर्पण वगैरह इनसे क्वेश्चन बने कौन क्या इनसे बना।
और इससे मैंने क्वेश्चन अपने गेट नॉर गेट वगैरह गेट से कोई क्वेश्चन पूछा गया? इससे नहीं पूछा, इससे नहीं पूछा गया। अच्छा, आइंस्टीन से इक्वेशन कोई वगैरह कुछ पूछे गया हो? आइंस्टीन से रिलेटेड किससे? आइंस्टीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया क्या? आइंस्टीन से नहीं पूछा, नहीं पूछा गया, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आप केमिस्ट्री की बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये एल्केन एल्काइन पूछा गया? हाँ, ये गैसों के बारे में नहीं पूछा गया। गैसों के बारे में कोई सिलिकॉन वगैरह? अच्छा सर, और क्या पूछा गया? और तो ये यांत्रिक वो सिलिकॉन और ये कोई विधि वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया? रासायनिक समीकरण वो ऐसा पूछा गया, इक्वेशन बनाना वगैरह पूछा गया। और इससे जो भौतिक रसायन से कोई क्वेश्चन पूछा गया? दैनिक जो दैनिक रसायन से? हाँ, इससे तो इन्वायरमेंट केमिस्ट्री से जो पर्यावरण के रसायन है उससे कोई क्वेश्चन पूछा गया? उससे कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। आया होगा उससे, आपको याद नहीं आ रहा होगा, तो उससे हाँ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछा गया क्या? केमिकल बॉन्डिंग से भी आया था, और विलयन वगैरह से सॉल्यूशन वगैरह से इनसे क्वेश्चन पूछा गया? आए। अच्छा, तो मान सकते हो कैसा पेपर था आज का? अच्छा गया। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। आपका पेपर था क्या? नहीं, गुड़िया। अच्छा, गुड़िया का, तो आइए बच्चों को ले लें, पूछ लेते हैं उनसे किस प्रकार क्वेश्चन गया। हाँ बेटा, पेपर था अपना, था अपना आईडी का कौन सा? मॉर्निंग शिफ्ट थी। पेपर एज यूजुअल टफ था, लेंथी था। फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे थे, मैथ्स टफ आया था, और ठीक था पेपर। अच्छा, गया वेटिंग फॉर रिजल्ट्स जो होता है। अच्छा, देखते हैं। आपने कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन? मैंने 50% किया है। हाँ। और लेट्स सी क्या होता है। सबसे अच्छा पोर्शन कौन सा लगा पीसीएम में आपको? केमिस्ट्री एक्चुअली। अच्छा। बेसिकली बच्चों का केमिस्ट्री स्ट्रांग होता है, नहीं तो मैथ स्ट्रांग होता है। तो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा टफ पोर्शन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया, इनऑर्गेनिक से आईओसी से पूछा गया, फिजिकल केमिस्ट्री पीसी से पूछा गया? फिजिकल मुझे ऑर्गेनिक, एक्चुअली मेरा वीक पॉइंट है, तो मुझे ऐसा लगता है ऑर्गेनिक। फिजिकल आईओसी में अपना अच्छे नंबर मारे। हाँ, मेरा मुझे ऑर्गेनिक में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड से क्वेश्चन बनाया अपने आईओसी से? हाँ, कोऑर्डिनेट था ना, वो जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट स्टेट पॉइंट का, चिलेट कार्बन वगैरह से इनसे कोई क्वेश्चन आया पूछा? नहीं, कोऑर्डिनेशन के जनरली हमको ज़्यादा क्वेश्चन दिखते हैं, बट अभी कुछ ना अनइवन सा पैटर्न था, मतलब जैसे कि ठीक है अब जो हो गया। वहाँ पर मैथ्स ने बहुत ज़्यादा परेशान किया मुझे। मैथ्स पहले वीक पॉइंट है मेरा, और मैथ्स थोड़ा और था कि मेंटली जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ना, तो मैथमेटिक्स से रीजनिंग से कोई क्वेश्चन पूछा गया? मैथमेटिक्स रीजनिंग, हाँ रीजनिंग का क्वेश्चन था ना, और प्लस पॉइंट इसमें सेट सबसेट्स वगैरह क्वेश्चन पूछे गए, और इंटीग्रेशन डिफरेंस और इंटीग्रेशन कैलकुलस तो आती है, बहुत सारा वेटेज होता है कैलकुलस का, तो वेटेज है, बट कितना क्वेश्चन पूछा गया कैलकुलस से? कितना क्वेश्चन, वही वेटेज रहता है अब, जैसे कि अब सबसे ज़्यादा ये मोस्ट 30% मैथ्स तो कैलकुलस से ही बन जाते हैं, और ज़्यादा बन जाती है फंक्शन से, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ले लो, तो सब क्वेश्चन है ना। मैं भी आपके जैसे स्टूडेंट रहा हूँ, आईआईटी मैंने भी तैयारी कर चुका हूँ पहले। आप आईआईटी से हो? आईआईटी की तैयारी कर चुका हूँ मैंने, कोटा से दो साल ड्रॉप आउट, तो इसीलिए मैं लाइव रिव्यू, मैंने कहा आपको देख के मैं खुद अपने आपको एनालाइज कर रहा हूँ। तो आप बताइए मैथमेटिक्स में और किस प्रकार से अपने जो मैट्रिक्स वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया क्या? हाँ, दो क्वेश्चन मुझे याद है मैट्रिक्स से आए थे, डिटर्मिनेंट से आए थे। और नल मैट्रिक्स वगैरह से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया? नल मैट्रिक्स से एक स्पेसिफिक पॉइंट पर अपन बोल नहीं सकते ना कि उठा के कि ये पूछा था। हाइपरबोला से? हाँ, आता है कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चन आता है, पैराबोला था, सर्कल था, हाइपरबोला था, कुछ टेंजेंट से रिलेटेड था। हाँ, उससे वो 3D ज्योमेट्री से क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। हाँ, वो छोड़ेंगे थोड़ी नहीं कोई चैप्टर। और इससे अपने प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी था, इवेंट से, वही बेस थ्योरम से। इनसे दो तीन क्वेश्चन बनाएंगे? हाँ बने थे, हाँ थे, पर थे बिल्कुल थे। फंक्शंस बहुत बेसिक चीज़ होती है, फंक्शंस करना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज फंक्शन जो है वो इंटीग्रेशन का भी बेस है। हाँ, तो फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है, और उससे क्या डिटर्मिनेंट्स में भी हेल्प मिलती है, दिमाग चलता है ना फंक्शंस को सॉल्व करने में, ओके लिमिट्स वगैरह में, तो वो अच्छा टॉपिक। और फिजिक्स अच्छी थी, मतलब ट्वेल्थ की फिजिक्स जिसकी स्ट्रांग होगी उसको बहुत हेल्प मिली। अच्छा, होगी मतलब ट्वेल्थ की फिजिक्स, सीरियसली फिजिक्स अच्छी थी। फिजिक्स मैकेनिज्म में क्वेश्चन कितने पूछे गए लगभग एप्रोक्सीमेटली? फिजिक्स में देखो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार ना मतलब कम थी कैलकुलेशन, मुझे ऐसा लगा कि कैलकुलेशन कम थी। हाँ, इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी बन गया मेरे पेपर में। तो
ऑप्टिक्स से क्वेश्चन था ना वो क्वेश्चन बताऊं क्वेश्चन बता दो कोई याद आ रहा हो तो रिमेंबर आ रहा हो तो हाँ फोकल लेंथ दे रखी थी 15 सेंटीमीटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था 1.5 और उसका मीडियम चेंज करा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 कर दिया था तो हमको फोकल लेंथ फाइंड करनी थी क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो होते ही हैं फिजिक्स में हाँ मतलब ऐसा था असर्शन रीजन थे स्टेटमेंट करेक्ट था रॉन्ग वाला था जो बेसिकली होता है आपने एनटीए के पेपर्स दिए होंगे प्रीवियस ईयर के दिए होंगे इस बार जो हमारा एग्ज़ाम बना रहे थे जैसे कि एनटीए ने हमारा पेपर नहीं बनाया एक नया कुछ नया मैथ्स में मुझे बहुत कुछ नया देखने को मिला हाँ तो अगर अभी आपका पेपर है ना तो आप जैसे कि कल दो पेपर हुए थे आज दो पेपर हुए तो उनको देखना अच्छे उनको करना आप तो और आपको मतलब सबसे अच्छा पोर्शन मतलब मैच ही लगा है ना सबसे ज़्यादा सबसे खतरनाक मैच लगा मेरा क्या मेरा पहले केमिस्ट्री फिजिक्स फिर मैथ्स ऐसा आता था क्योंकि मतलब तो आपने मैं पहले केमिस्ट्री किया क्योंकि मैंने मतलब जैसे कि 11 से प्रिपरेशन नहीं करी थी अच्छा। बाद में मुझे थोड़ा सा शाया वगैरह आईटीजेई का मतलब जैसे कि कोटा वगैरह जाके मैंने प्रिपरेशन नहीं करी तो नहीं मतलब कोचिंग ली है लेकिन अच्छा, कोटा जाके नहीं करिए तो हाँ तो मेरा ना मतलब प्रैक्टिस में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसलिए मेरा मैच थोड़ा सा वीक था बाकी अगर जिसकी मैच अच्छी है तो क्वेश्चंस करो मतलब क्वेश्चंस करो जो अभी जो पेपर आया ना और जिनका तो बाद में है जैसे कि बीच में संडे आ रहा है तो बैठो वो मैच करो मैच को एक घंटा जितना टाइम भी आप लेते हो मैच के क्वेश्चंस करो बैठ के आपने आईडी की तैयारी के लिए कितना घंटा आवर स्टडी की है रोजाना पढ़े मिनिमम 12 आवर्स कभी कभी ऐसा होता था कि हम 12 आवर डेडिकेट नहीं कर पाते बहुत सारा कभी जो क्या है जैसे कि मैंने मॉक पेपर्स दिए थे मैं पिछले जैसे कि अभी पोस्टपोन्ड हुई थी तो पिछले 2 महीने से मैं डेली मॉक पेपर्स दे रही थी तो उसने हेल्प किया मुझे वो दो और तो 3 घंटे तो उसमें लग जाते थे तो फिर 1.5 से 2 घंटा उसको रीड करने में वगैरह बाकी का रिविजन करती थी मैं तो लगभग सर मैं आपका IIT में सिलेक्शन हो गया तो आप कौन सी स्ट्रीम चॉइस करोगे पहले कंप्यूटर साइंस सबका सपना होता है कंप्यूटर साइंस ठीक है हाँ ऑफकोर्स ना कौन जाएगा CS छोड़ के सिविल वगैरह बट फिर देखते हैं लक अपना वो तो देखो अपन इच्छा करते हैं ना हाँ अब अपनी रैंक पे डिपेंड करता है कि अपन को क्या मिलता है ठीक है थैंक यू आपने अच्छे से सजेस्ट किया और अच्छे से एनालिस दिया पेपर को और लास्ट में क्या पॉइंट बोलना चाहिए कीवर्ड बोल दो लास्ट में कुछ सम कीवर्ड प्रैक्टिस करो मतलब हम देखो एक तो सबसे पहले ना मैंने 2 महीने बैठ के डेली पेपर दिया था डेली कभी कभी छूट जाता था बाकी मैंने डेली इससे क्या हुआ कि मैंने मतलब जैसे कि मैंने मेरा जो एग्ज़ाम का टेम्परमेंट था ना वो कम हो गया पहले क्योंकि है ना क्या होता है कि अभी पिछली बार ये कोरोना की वजह से हमको 3 घंटा बैठ के बैठने का बहुत वो हो गया कि हमसे बैठाता नहीं है हम 3 घंटे या तो ऐसा काम करो कि आप जब भी पढ़ो तो 3-3 आवर्स के स्लोट में पढ़ो अगर नहीं पढ़ाता तो कम से कम पेपर दो या अभी जिनका बाद में पेपर है तो दिन में एक पेपर तो दो ही सही दो दे रहे हो तो और अच्छी बात है लेकिन ऐसा लगता है कि हम दो दे रहे हैं पर कुछ सीख नहीं पा रहे हैं उससे तो कोई बात नहीं एक दो बट रोज़ दो मैंने 2 महीने से पेपर ही दे रही हूँ मैं 2 महीने से जब से ये पोस्टपोन हुई है एक पेपर तो मैं रोज़ ही दे रही हूँ थैंक यू आपने अच्छे से एनालाइज किया आपने और बहुत अच्छा लगा ठीक है थैंक यू तो आज का IIT का सेक्शन और किसी का एग्ज़ाम आता था अपना भैया नहीं तो आज IIT का जो था पेपर हो चुका है और बच्चों ने अच्छे से हाँ बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा जो भी आप लाइव व्यू देख रहे हो तो इस वीडियो को देखने के माध्यम देखकर आप अपने आप में यूटिलाइज करना कि किस प्रकार से इन बच्चों ने बोला है आपके सामने की तैयारी इस प्रकार से करें क्योंकि 29 तक ही बस एग्ज़ाम है और 4-5 दिन का खेल है तो आप जितना हो सके उतना रिवाइज़ करो रिवाइज़ करने का आपका समय है अभी रिवाइज़ करते रहो क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हो पर फिजिक्स और केमिस्ट्री और IOC और फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री आप रिवीजन करो जितने कॉन्सेप्ट रिवीजन करो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप ये इक्वेशन देख लो आप ठीक है रासायनिक जो अभिक्रिया हैं वो देख लो अच्छे से और इन्वायरमेंट केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आप एक दो कुछ पूछे जा रहे हैं तो वो भी आप पढ़ लीजिए अच्छे से और मैथमेटिक्स में आप कैलकुलस को अच्छे से परफेक्ट कर लीजिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी से और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से आप अच्छे से कर लीजिए पैराबोला हाइपरबोला सर्कल वगैरह स्फीयर वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ठीक है और पार्सल से भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप जिसका 12th था CBSE बोर्ड वाला 12th का बहुत वेटेज आ रहा है अभी जो 12th का आपके चैप्टर थे मैथ्स में तो उसका भी वेटेज तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा IIT एस्पिरेंट जय हिंद जय भारत वंदे मातरम